नमस्कार दोस्तों, मैं मधुस्मिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेरी लाइफ मेरी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक लेफ्टओवर राइस के साथ रेसिपी। जैसे कि हमारे घर में बहुत समय देखते हैं हमारा राइस बच जाता है, राइस या कोई सब्जी या रोटी ऐसे बच जाता है, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ लेफ्टओवर राइस की रेसिपी। वो है बर्न्ट गार्लिक फ्राइड राइस। कैसे बनाते हैं बर्न्ट गार्लिक फ्राइड राइस, वो भी इतने झटपट और इतने टेस्टी यम्मी डिश, चलिए मैं आज आपको सिखाऊंगी मेरे किचन से। चलिए शुरू करें। इसके लिए मैंने यहाँ पर राइस ले लिया है। हमेशा जो भी फ्राइड राइस हो, गार्लिक राइस हो, आप उसके लिए राइस हमेशा ठंडा राइस लीजिए जो फ्रिज में रखा हुआ हो। यहाँ पर मैंने 4-5 मेरे राइस के क्वांटिटी के हिसाब से मैंने यहाँ पर 4-5 लहसुन इसे चॉप करके ले लिया है, एक छोटा प्याज चॉप करके ले लिया है और हाफ मैंने यहाँ पर कैप्सिकम चॉप करके ले लिया है। ये शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है 1 चम्मच। इसमें अभी गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक को थोड़ा बर्न करिए, फिर उसके बाद प्याज डालेंगे। गार्लिक को अच्छे से लाल करके इसको फ्राई करना है, कि ये बर्न्ट गार्लिक फ्राइड राइस है इसीलिए। मैंने यहाँ पर 1 कप राइस लिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसी क्वांटिटी में बनाया है। आप ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में इसका ये मसाला रेडी करेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट और पेपर ऐड करेंगे, सॉल्ट स्वाद अनुसार और पेपर पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा। अभी इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद अपना राइस ऐड कर लेंगे। बहुत ही झटपट और क्विक रेसिपी है, टिफ़िन में भी ले सकते हैं, कहीं पिकनिक जा रहे हो तो भी बनाकर इसका ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रेसिपी है। खाना जितना जल्दी बन जाए उससे अच्छी बात क्या बात है। चलिए अभी अपना थोड़ा सोया सॉस डाल देते हैं। 1/2 चम्मच सोया सॉस डालिएगा, हमें कलर ख़राब नहीं करना चाहिए राइस का। अभी अपना राइस ऐड कर लेंगे, राइस को इसके साथ अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए झटपट बर्न्ट गार्लिक राइस एकदम रेडी हो गया है। इसे आप चिली चिकन या चिली मशरूम्स या चिली पनीर के साथ आराम से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और टेस्ट बेमिसाल। चलिए इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बचे हुए चावल से हमने कितने झटपट से कितनी अच्छी रेसिपी बना डाली। ऐसे ही अपने घर में जब भी चावल बच जाए ऐसे ही कुछ नया ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं बचे हुए चीज़ों से कैसे एक अच्छी डिश निकल के आती है मैं आपको हर रोज़ बताऊँगी। आज गार्लिक राइस बताया है, कल मैं कुछ और बताऊँगी। तो ऐसे ही आप गार्लिक राइस बनाइए, घर में सबको खिलाइए, और कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।